रिंकू सिंह का छक्का गया बेकार, पहले T20 में ऑस्ट्रेलिया ने कर दी चीटिंग। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप सहगल और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रीड़ा क्रिकेट। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विशाखापट्टनम में खेले गए पहले T20 मैच को टीम इंडिया ने 2 विकेट से जीत लिया और इस जीत के साथ ही भारत ने 5 मैचों की इस T20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। इस सीरीज का पहला T20 मैच एक हाई स्कोरिंग मुकाबला रहा क्योंकि इस मुकाबले की दोनों पारियों में मिलाकर 400 से ज्यादा रन बने, लेकिन इस मुकाबले में रिंकू सिंह का छक्का जो है वो बेकार हो गया और उसकी वजह रही ऑस्ट्रेलिया की चीटिंग। अब आप कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया ने क्या चीटिंग कर दी और आखिर रिंकू सिंह का छक्का बेकार क्यों चला गया, तो पूरी डिटेल में आपको बताएंगे, तफसील से समझाएंगे। लेकिन उससे पहले कर लीजिए एक छोटा सा काम। काम आपको क्या करना है, आपको क्रिक रॉकेट की ऐप को डाउनलोड कर लेना है क्योंकि ये ऐप आपको क्रिकेट का लाइव स्कोर अपडेट सबसे तेज और सबसे पहले बताती है। इस ऐप के सिर्फ नाम में ही रॉकेट नहीं है, ये रॉकेट की स्पीड से काम करती है और आपको क्रिकेट का लाइव स्कोर अपडेट सबसे तेज और सबसे पहले बताती है। तो फटाफट से क्रिक रॉकेट की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। तो हम बात कर रहे थे रिंकू सिंह का 6 गया बेकार, पहले T20 में ऑस्ट्रेलिया ने कर दी चीटिंग। दरअसल इस मुकाबले में सूर्य कुमार यादव पहली बार टीम इंडिया की कप्तानी करते हुए दिखाई दिए। सूर्य कुमार यादव ने इस मुकाबले में टॉस जीता और पहले किया गेंदबाजी करने का फैसला। ऑस्ट्रेलिया की टीम बल्लेबाजी के लिए आई। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जॉश इंग्लिस ने तूफानी पारी खेलते हुए T20 इंटरनेशनल का अपना पहला शतक जड़ दिया। उनकी तूफानी पारी की बदौलत ही ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 208 रनों का पहाड़ सा स्कोर खड़ा किया। टीम इंडिया को 209 रनों का लक्ष्य मिला था, लेकिन टीम इंडिया ने 19 ओवर तक 202 रन बना लिए थे। ऐसे में टीम इंडिया को आखिरी ओवर में 6 गेंदों पर 7 रनों की जरूरत थी और इस मुकाबले में आखिरी ओवर में ट्विस्ट आना बाकी था क्योंकि टीम इंडिया ने आखिरी ओवर में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3-3 विकेट गंवाए। दरअसल इस मैच की आखिरी गेंद पर रिंकू सिंह ने 6 भी लगाया, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज की चालाकी की वजह से अब वो 6 जो है वो रिंकू सिंह के स्कोर में ऐड नहीं होगा। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, पूरी डिटेल में आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको आखिरी ओवर के रोमांच को जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि वो आखिरी ओवर किस तरह का रहा। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के लिए आखिरी ओवर जो है वो शॉन एबॉट ने डाला और स्ट्राइक पर थे रिंकू सिंह। इस ओवर की पहली गेंद पर रिंकू सिंह ने चौका लगा दिया। ऐसे में अब टीम इंडिया को 5 गेंदों में 3 रनों की जरूरत थी इस मैच को जीतने के लिए। अगली गेंद शॉन एबॉट ने फेंकी और अगली गेंद पर टीम इंडिया को 1 रन मिला 22 का। तो ऐसे में अब टीम इंडिया को 4 गेंदों में 2 रनों की जरूरत थी, लेकिन इस ओवर की तीसरी गेंद पर अक्षर पटेल स्ट्राइक पर आए। अक्षर पटेल ने तीसरी गेंद पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की लेकिन वो कैच आउट हो गए। इसके बाद अक्षर पटेल मैदान से बाहर चले गए और फिर स्ट्राइक पर आए रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई ने इस ओवर की चौथी गेंद पर 1 रन चुराने की कोशिश की लेकिन वो रन आउट हो गए। रवि बिश्नोई के आउट होने के बाद मैदान पर आए अर्शदीप सिंह, लेकिन अच्छी बात यह थी कि भारत के लिए स्ट्राइक पर थे रिंकू सिंह। इस ओवर की 5वीं गेंद पर रिंकू सिंह ने एक तेज तर्रार शॉट लगाया और उन्हें 2 रन लेने की जरूरत थी, लेकिन अर्शदीप सिंह वो दूसरा रन पूरा नहीं कर पाए और वो रन आउट हो गए। लेकिन अच्छी बात यह रही कि भारत ने 1 रन बना लिया था और स्ट्राइक पर रिंकू सिंह ही थे। तो ऐसे में अब टीम इंडिया को जीत के लिए मैच की आखिरी गेंद पर 1 रन चाहिए था और फिर इस मैच की आखिरी गेंद फेंकने के लिए शॉन एबॉट दौड़े। उन्होंने गेंद भी फेंकी, रिंकू सिंह ने 6 भी लगाया, लेकिन रिंकू सिंह के स्कोर में यह छक्का काउंट नहीं हुआ। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, दरअसल शॉन एबॉट ने जब गेंद फेंकी थी तो गेंद फेंकते ही वो नो बॉल हो गई थी क्योंकि शॉन एबॉट का पैर जो है वो लाइन के बाहर चला गया था और टीम इंडिया को रिंकू सिंह के वो छक्का लगाने से पहले ही 1 रन मिल चुका था और टीम इंडिया ये मैच जीत चुकी थी। इसीलिए रिंकू सिंह का वो 6 जो है वो बेकार चला गया। यहां पर शॉन एबॉट ने चालाकी दिखाई, उन्होंने नो बॉल फेंक दी और वो 6 जो है वो रिंकू सिंह के स्कोरबोर्ड में ऐड नहीं हुआ। इसीलिए जब आप इस मुकाबले का स्कोरबोर्ड देखेंगे तो भारत ने 19.5 ओवर में ही 209 रन बनाकर इस मुकाबले को जीत लिया और शॉन एबॉट की चालाकी की वजह से
ये छक्का जो है वो रिंकू सिंह के स्कोर में ऐड नहीं हुआ। अगर आप इस मैच में रिंकू सिंह का स्कोर देखेंगे तो रिंकू सिंह ने इस मुकाबले में 14 गेंदों का सामना किया, नॉट आउट 22 रन बनाए जिसमें उन्होंने 4 चौके लगाए। यहां ध्यान दीजिए, रिंकू सिंह ने कोई छक्का नहीं लगाया है और रिंकू सिंह का स्ट्राइक रेट रहा 157.14 का। दरअसल आईसीसी का नियम यह कहता है कि 9 बॉल अगर पहले हो जाती है तो 1 रन काउंट हो जाता है और भारत को जीत के लिए 1 ही रन चाहिए था। वो 9 बॉल होते ही भारत को वो 1 रन मिल चुका था, इसी वजह से रिंकू सिंह का वो 6 जो है वो काउंट नहीं हुआ और भारत ने वो छक्का लगाने से पहले ही मुकाबला जो है वो जीत लिया। तो दोस्तों अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आखिर क्यों रिंकू सिंह का वो 6 गया बेकार और ऑस्ट्रेलिया ने पहले T20 मैच में कर दी चीटिंग। वैसे दोस्तों टीम इंडिया ने इस सीरीज का पहला T20 मैच 2 विकेट से जीत लिया है और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या यंगिस्तान की ये टीम ऑस्ट्रेलिया को इस T20 सीरीज में मात दे पाएगी? क्या सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम ये T20 सीरीज जीत पाएगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं और हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो स्पोर्ट्स क्रीड़ा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए ताकि आपको क्रिकेट की लेटेस्ट अपडेट्स सबसे तेज और सबसे पहले मिल सके। तो अपने दोस्त दीप सहगल को दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।